हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे। तो मैं देवव्रत राय पश्चिम बंगाल से आज आप लोगों के लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है 24 मार्च 1983, जो कि आज मेरा बर्थडे है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये सेलिब्रेशन भी थोड़ा सा शेयर किया जाए। हालांकि मैं आज आया हूँ बाहर में, मुझे जो है स्पेशली हिल स्टेशन बहुत ही अच्छा और प्यारा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर टाइम जब भी मैं फ्री रहता हूँ तब भी मैं जो है ये सब जगह पे घूमने के लिए आता हूँ, जहाँ पे लोग नहीं है, बिल्कुल शांत है। तो इस टाइप का जो है एटमॉस्फेयर मुझे पसंद है बेसिकली। और सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, जो लोग भी मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्ट है, जो लोग भी मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट है, सुबह से बहुत ज़्यादा विशेस मुझे को मिला है और थैंक यू आप सभी को। मैंने सभी को रिप्लाई किया है, हो सकता है किसी को मैंने रिप्लाई नहीं किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से सभी को जो है मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो है मुझे विश किया। और मैं भी चाहता हूँ कि भाई ये जो फैमिली है हमारा, ये फैमिली ग्रोथ करे, आप अर्निंग करो और बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुँचो और मैं भी साथ साथ पहुँचूँ और एक ईमानदारी से, एक निष्ठा से हम लोग काम करें एक दूसरे के साथ। तो भाई थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। और वीडियो बनाने का दूसरा मकसद जो ये था कि आज मेरा एक स्पेशल एक पर्सन के साथ मीट हुआ जो मुझे बहुत ही पसंद आया स्पेशली। और इन फ्यूचर अगर हम साथ में रहते हैं तो ज़रूर मैं इस मेरे चैनल पे ज़रूर आप लोगों के साथ भी इंट्रोड्यूस करूँगा। हालांकि ये फ्यूचर की बात है तो ज़रूर मैं शेयर करूँगा। और आप लोगों के बीच में जो भी मेरे को रोज़ देखता है तो मैं एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था, लेकिन बीच में होली आ गया, उसके बाद बर्थडे, तो हाँ क्योंकि ये छोटा छोटा चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंस ही रखता है मेरे लिए, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया। आई थिंक 2-3 दिन के अंदर, कल नहीं तो परसों जो है आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा और आप लोग आई थिंक हैप्पी होंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, क्योंकि मैं भी जो है बहुत दिनों से स्टडी कर रहा हूँ और फाइनली एक प्रोग्राम जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा जहाँ पर आप लोगों का लॉस नहीं होगा, 1000% श्योर, एंड प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कम होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा। और बाकी कुछ डिस्कशन करना था, डिस्कशन तो नहीं बोल सकते, मुझे बताना था आप लोगों को कि मेरा कुछ ऐसे दोस्त है जो कि विग्नर है, जो कि इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ आशा करते हैं, जो बहुत कुछ उनका इच्छा है कि जीवन में जैसे मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ हूँ मेरे लाइफ में इस ऑनलाइन इंडस्ट्री ने, इस दोस्तों ने, बहुत सारा मित्र ने मुझे भरपूर प्यार दिया और कुछ हेटर्स भी थे, अभी भी है, जिनको मैं दिल से प्यार ही करता हूँ कि भाई आप लोगों के लिए ही जो हेटर्स हैं ना वो बहुत आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस ही रखते हैं, मेरे लाइफ में तो स्पेशली, क्योंकि जितना ज़्यादा हेट उतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन। ठीक है, कोई अगर आपको हेट करता है तो आप अगर उसको चैलेंज करते हो कि भाई मैं ज़्यादातर जो हूँ कि ऐसे कॉमेंट करके किसी को गंदा वर्ड यूज़ करके या किसी को इस तरीके से मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, मैं अपने काम से करता हूँ। ठीक है, तो जो लोग भी हेटर्स हैं उनके लिए भी प्यार, जो लोग भी प्यार करते हैं उनके लिए भी प्यार, सबके लिए प्यार। तो उसके बाद बात करते हैं कुछ इशू के बारे में कि दोस्तों देखिए, अभी कुछ विगिनर से, कुछ अलग अलग स्टेट से, मतलब मेरे साथ तो हरे आई थिंक इंडिया के हर एक स्टेट से मित्र है मेरा, दोस्त है मेरा, बहुत रिलेशन बन चुका है। अभी 2-3 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ और सभी का सपोर्ट जो है बहुत ही तगड़ा, अच्छा और बहुत ही मस्त जो है मिल रहा है। कुछ मित्र है जो कि अभी भी सक्सेस नहीं है, ऑनलाइन की पैसे की बात कर रहा हूँ, लाइफ में सक्सेस का मीनिंग्स एक्चुअली बहुत गहरा होता है। कोई कोई लोग प्यार से सेटिस्फाई हो जाते हैं, कोई कोई लोगों को पैसे से सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो सेटिस्फेक्शन का लेवल हर एक इंसान के अलग अलग वे से होता है। लेकिन मेरा जो चैनल है, आप लोग मुझे देखते हो क्योंकि आपको भी ऑनलाइन में अर्निंग करना है, जैसे मैं अभी ऑनलाइन से लगभग 3 साल से फेस लेके आप लोगों के साथ सामने खड़ा हूँ, बैठा हूँ जो भी है, तो मैं क्यों हूँ। और बहुत लोग हैं जो निराश हो जाते हैं, बहुत लोग हैं जो भाई उसका कोई मतलब बहुत काम कर रहे हैं, बहुत पैशनेट है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो मित्र, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इतना ही शेयर करना करूँगा कि देखिए अभी मतलब कुछ ना होने से तो कुछ अच्छा हो सकता है हमारे लाइफ में, होप मत छोड़ो,
ऐसे भी सक्सेस, इतना सक्सेस वर्ड का मीनिंग्स भी बहुत बड़ा होता है, बड़ा होता है कि सक्सेस इतना जल्दी किसी को मिलता नहीं है। बहुत लोगों को होता है कि भाई कुछ टाइम्स के अंदर अंदर मिल जाता है सक्सेस, और बहुत लोगों को बहुत मतलब चप्पल घिसना पड़ता है, ठीक है। तो घिसो लेकिन कायदे से, ऐसा नहीं हार्डवर्क ही करते रहो। मैं तो हमेशा अपने चैनल पे ऐसा, मैं तो 10-12 वीडियो तो मैं बना चुका हूँ 2-3 सालों के अंदर, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कैसे जो है सोशल मीडिया को यूज़ किया जाए। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया जो जो आप मुझे देख रहे हो या जो मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो इसका आप लोग यूटिलाइज़ क्यों नहीं करते, ये मेरा अंदर थोड़ा सा गुस्सा है, एक्चुअली प्यार बोल सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ से लोग करोड़ों बना रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा पीछे है लेकिन इतना भी पीछे नहीं है। तो मैं आप लोगों को आज भी इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा दिल से कि आप लोग एक्टिव रहो यार। कुछ लोग होता है कि 2-3 महीने पूरा जो है काम करते हैं ऑनलाइन पे, पूरा पोस्टिंग चलता है उनका, पूरा पब्लिशमेंट चलता है, पूरा बाय फोन पूरा एक्टिव रहता है, जब 2-3 महीने बाद उसको ठीक ठाक रिटर्न नहीं आता, ठीक ठाक लोगों का रिप्लाई नहीं आता, या काम नहीं होता, या रेफरल नहीं होता, तब जो है लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, मैं लाइफ में बहुत बार ठोकर खा चुका हूँ लेकिन काम मैं कंटिन्यू किया हूँ। काम करते रहो, ठीक है। आपको फल जो है तो है ना, फल तो फल की चिंता नहीं करना चाहिए, आप अपने काम करते रहो, पूरा जो है पूरा दो, आप 100% दो, तभी जो आपको रिटर्न आएगा। रिटर्न एक दिन में नहीं आता है, रिटर्न के लिए आपको बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम भी नहीं यार, 2-3 साल जो है इस ऑनलाइन इंडस्ट्री ने मेरे लाइफ फुल्ली चेंज कर दिया। ये तो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ क्यों चेंज किया है। एक ऑर्डिनरी इंसान जो कि हम लोग जैसे ऑर्डिनरी इंसान हैं, ठीक है ना, उन लोगों के लिए महीने का 6 डिजिट अर्निंग करना ये बहुत बड़ी बात होता है। और जो लोग भी गांव से है, मैं बोल सकता हूँ आप लोग, मैं गांव से ही हूँ, तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो ठीक है, तो आप लोग फेसबुक के यूज़ कीजिए, हो सके तो दोस्तों वीडियोज़ बनाइए प्लीज़, क्योंकि एक आप अगर गूगल करिएगा ना तो आपको मिलेगा कि पहले लोग ब्लॉग पढ़ना पसंद करते थे लेकिन अब लोग वीडियोस देखना पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को शॉर्ट टाइम में पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना। तो वीडियोस बनाइए। जब मैं वीडियोस बनाता था तब मुझे बहुत टाइम लगा मेरे को, क्योंकि उस टाइम पे मैं कोई एक प्रोग्राम करता था तो मुझे लगा चलो प्रोग्राम के बारे में 1-2 वीडियो तो मैं दे दूँगा, उसके बाद क्या। वो सोचते सोचते मैंने वीडियो बनाना बहुत लेट किया, लेकिन जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया, अब अगर मेरे चैनल को देख रहे हो तो पीछे आप जाइए, लगभग 2-2.5 साल हो गया आई थिंक, तो देखिएगा मेरा वीडियो क्वालिटी, मेरा बोलने का तरीका, कॉन्फिडेंस लेवल इतना घटिया, मतलब मैं जब देखता हूँ मेरे को भी हंसी आता है। लेकिन वो सभी के साथ होता है, आज के डेट पे जो भी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं उनका भी जाके प्रीवियस चेक कीजिए आप, उतना ही घटिया मिलेगा, लेकिन उन्होंने इम्प्रूव किया है अपने आप को। तो कंटिन्यू जो है अपडेट देना पड़ता है, कंटिन्यू आपको जो है पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लोग जुड़ जाते हैं। देखिए मोस्ट हम लोगों का ऑनलाइन फील्ड में एक चीज़ तो बहुत ही अच्छा मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी इतना करोड़ों का जो है इंडिया का पॉपुलेशन है, सभी को चाहिए पैसा, तो पैसा कैसे अर्न कर सकते हो, इसी रिगार्डिंग हमारा चैनल है। तो इस रिगार्डिंग अगर आप कुछ बनाओगे कुछ कंपनीज़ के बारे में, या अपना थॉट प्रोसेस जो भी है, कुछ भी जो आप बता सकते हो लोगों को, देखिए सभी लोगों को आपकी बात अच्छा नहीं लगता है या लगेगा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ मेजोरिटी आपको देखेगा, आपको सुनेगा, आपका हर एक बात हर एक चीज़ वो फॉलो करता है। तो आपका अंदर जो टैलेंट है वो लोगों को दिखाओ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा, देखिए दोस्तों बहुत लोग बोलता है कि भाई सर मोटिवेशन वीडियो बनाओ, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, मोटिवेशन एक लिमिटेड पीरियड के लिए कुछ भी वीडियो आपने देख लिया, जैसे संदीप महेश्वरी बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छा मतलब मैं तो मानता हूँ उसका गुरु, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या होता है ना, मोटिवेशन आप कोई भी वीडियो देख लो तो आपको 10-15 मिनट के लिए वो देख लिया आपने, पूरा चार्ज अप रहोगे आप 2-3 दिन तक, लेकिन वो आप भूल जाओगे फिर से रेगुलर लाइफ, फिर से सब कुछ। मोटिवेशन मैं किसको मानता हूँ और मोटिवेशन मैं किससे होता हूँ, मैं आज थोड़ा सा ये राज मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मेरे पिताजी है जो है 4 साल पहले गुजर गए थे, उस टाइम पे मेरा हालत भी ख़राब था, ठीक है। तो मोटिवेशन मुझे एक रात मिला, बहुत तगड़ा मोटिवेशन, आप भी अगर इसको थोड़ा सा ट्राई करोगे आपके अंदर इतना मोटिवेशन आएगा दोस्तों कि आपको मोटिवेशन चैनल की देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। कि मैंने एक दिन एक दोस्त से सुना था और मैंने अप्लाई किया, एक रात जब 2 से 2:30 बजे थे, उस टाइम पे मम्मी नहीं था,
और मेरे घर में सॉरी पिताजी नहीं था, गुजर गया है, तो उस टाइम पे मम्मी सोए हुए थे। तो मैंने क्या किया, मैं देर से 2 बजे मम्मी के रूम पे गया, ठीक है, और सामने से चुप चुप के मतलब धीमे धीमे कदम पे गया और थोड़ा सा मम्मी के फेस में फेस को देखा, ठीक है। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई मम्मी जो है इतना आराम से रिलैक्स होके सो रहे हैं, मुंह में थोड़ा थोड़ा मुझे स्माइल महसूस हुआ, देखा मेरे को, ठीक है। और आप भी थोड़ा सा ये देखिए ना, कोई भी रात में आप धीरे धीरे अपना, अगर मम्मी है, पापा है, अपना अगर सिस्टर है, आपका अगर कोई बच्चा है, तो इसको थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ एक दिन देखिए ज़रूर, कोई भी रात में चले जाइए और थोड़ा सा देखिए चादर हटा के या कुछ भी करके, और फेस को देखिए कितना शांत हो के, कितना रिलैक्स होके वो लोग सोते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनको पता है कि आपका जो बेटा है, जो लड़का है ना, जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक दिन आपका नाम रोशन करेगा और आपके पीछे वो हमेशा खड़ा है, आपके पीछे वो हमेशा खड़ा है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी खराब सिचुएशन है, आपका लड़का जो है आपके सपोर्ट में है, चाहे जितना गंदा भी सिचुएशन है, ब्लड ब्लड जो होता है ना बहता है, वो सेल करके भी आपको कुछ होने नहीं देंगे। तो ये होता है मोटिवेशन कि वो लोग जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है ना, हमको प्यार करते हैं, उनके लिए हमको आगे बढ़ना है, उनके लिए हमको सोचना है, उनके लिए हमको लाइफ में स्ट्रगल करना है, अचीव करना है कुछ उनके स्माइल के लिए, वो लोग सोते हैं आराम से क्योंकि पता है उसका लड़का है या हस्बैंड है जो भी है, ठीक है, वो लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी हो तो भाई हम लोग सीना तान के सामने खड़े हैं ऐसा, ठीक है, और इसलिए वो आराम से सो पाते हैं। लेकिन हम लोग रात रात भर जगते हैं क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है हमारे फैमिलीज़ को देखें, और हम लोग जो है ये करते हैं, मुझे पता है आप लोग भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे, मैं आई थिंक मैं ठीक तरीके से आप लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत तो समझ ही होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ देखिए, मोटिवेशन मिल जाता है, ठोकर लाइफ में हर एक इंसान को मिला है, आपको मिला है, मुझे मिला है, सभी को मिला है, ठोकर की बात भूल जाइए, जो गुजर गया है वो आएगा नहीं, लेकिन जो आ रहा है उन लोगों के लिए, वो चीज़ के लिए हम लोग तैयार है, और आई थिंक अच्छा होगा सब कुछ, बेटर होगा सब कुछ आपके साथ, मेरे साथ, और क्योंकि हम लोग एक फैमिली है, और मैं हमेशा से ही जो है पॉजिटिवली काम करता रहा हूँ, और दिल से किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचा, ना मैंने किसी का बुरा किया, तो इसलिए आई थिंक जो भी होगा ऊपर वाला जो है सब कुछ देखता है, और आपके काम के ऊपर, आपके नियत के ऊपर विचार करके आपको ब्लेस देता है, पैसा देता है, प्यार देता है, सब कुछ देता है। तो जो भी हो, आज के वीडियोस में थोड़ा सा दूसरा टाइप का बातचीत मैंने किया, क्योंकि कुछ होता है अंदर जो आई थिंक शेयर करना भी चाहिए, कि सब एवरी टाइम वीडियोस में ये कंपनी करो, वो कंपनी करो, इसमें इन्वेस्टमेंट करो, ये करो, वो फलाना करो, ये करो, ये सब मुझे भी थोड़ा सा पसंद नहीं है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा डिस्कशन भी अच्छा होता है, तबीयत के लिए भी, दिमाग के लिए भी, और मन के लिए भी। तो जो भी हो, वीडियो को ख़त्म करता हूँ, 13 मिनट का वीडियो हो गया है। तो इस वीडियो को आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ है, और मेरा भी प्यार आप लोगों के हमेशा साथ है, तो मिलके काम करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।